नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। जी हां, गंज वसोदा विकासखंड के समस्त स्वच्छाग्रही ने ईओएल सर्वे कार्य वीएलओ कार्य व 5 माह के मानदेय दिए जाने की मांग को लेकर आज ज्ञापन सौंपा। स्वच्छाग्रही द्वारा दिए गए ज्ञापन के अनुसार गंज बासोदा स्वच्छाग्रहियों को ईओएल सर्वे का कार्य दिया गया है, लेकिन बासोदा विकास खंड में अभी तक लोगों को ईओएल का सर्वे कार्य नहीं दिया गया है और हमारी मांग है कि जिला पंचायत सीईओ के द्वारा दिए गए वीएलओ और ईओएल का कार्य हम लोगों को दिया जाए। इंडिया खबर लाइव संवाददाता से बात करते हुए स्वच्छाग्रहियों ने बताया कि हमारी नियुक्ति दिनांक 2 फरवरी 2019 को की गई है, लेकिन हम लोगों को 5 माह से मानदेय भी नहीं दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि स्वच्छाग्रहियों को बीएलओ व ईओएल का कार्य दिया जाए। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलएन चौबे की एक रिपोर्ट। का कार्य हम स्वच्छाग्रहियों को नहीं मिल रहा है और 5 महीने से हमें मानदेय भी नहीं मिल रहा है, जबकि हम सुबह शाम गाँव में स्वच्छता के प्रति अलख जगाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं और मानदेय भी नहीं मिला है। और ईएलओ का सर्वे बाकी सभी तहसीलों में मिल चुका है, केवल गंजबासदा तहसील में नहीं दिया जा रहा है। इसके लिए ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। नाम दिनेश कुशवाहा है, ग्राम पंचायत उदयपुर का स्वच्छाग्रही हूँ। सर, हमारे लिए ये समस्या आएगी, यहाँ पर ईओएल का कार्य सर्वे का है जो विदिशा जिले के सभी ब्लॉकों में ये काम दिया गया है, लेकिन गंजबासदा ब्लॉक के ही स्वच्छाग्रहियों को ये काम नहीं दिया गया है। उसको लेकर हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं सर। और हम लोगों को ये सितंबर माह तक तो मानदेय मिला, लेकिन इसके बाद आज 5वां महीना जा रहा है, हम लोगों के लिए मानदेय नहीं दिया जा रहा है, जिससे हम लोगों बहुत परेशान हैं और हम लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सर।